अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातहू आलिया के लख्त जिगर हाफिज साहब को और उनके साथ आए हुए हमारे पीर व मुर्शिद ज़हीर हुसैन शाह साहब और हमारे उनके साथ आए हुए ऐवान साहब और मालियात के मोहम्मद कासिम साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और मैं इनके तवसल से जिले के अमीर जनाब काशिम शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये महफिल सजाई। ये महफिल मेरे आका करीम नबी अलैहिस्सलाम की महफिल है, क्योंकि यहां पर एक ही नारा होता है, वो नारा क्या है? मैं मोहम्मद यूनुस रिज़वी, मुझे आज ये फख्र से कहना पड़ता है कि मैं रिज़वी हूँ। मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे कायद, मेरे रूए रवा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातहू आलिया का मैंने जब से चरखामा, इंशाअल्लाह कल बरोज़े महशर मेरा मुर्शिद मेरी इंशाअल्लाह कल आखिरत हमारे वालों में मदद करेगा। और कराची में बसने वाले कयूर आशिकाने रसूल आज ये ऐद करते हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद के दख्त के नीचे हम ऐद करते हैं कि तेरी लबैक पाकिस्तान के लिए मेरा माल भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, आपने से देखा वो तमाशा पता है क्या था? एक कहता है कि कराची मेरे बाप का है, दूसरा कहता है कराची मेरे दादा का है। गलतफहमी में ना रहना, कराची आशिकाने रसूल का है। जिस तरह से आपको पता है कि हमारा एक ही मंशूर है, वो मंशूर है कि दीन को तक पर ले जाना है। और आपको पता है कि दीन तक पर जब जाएगा, जब हम सब मिलकर इस बात के लिए मेहनत करेंगे, दोस्तों का जहन बनाएंगे कि तेरी लब्बे पाकिस्तान के झंडे तले आना है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तेरी लब्बे पाकिस्तान के शेर असेंबलियों में, नुमाइंदों में, डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदों में इंशाल्लाह सारे फैरत होंगे। मैं आपके तवक्कुल से बेखुसूस मेरे पीर व मुर्शिद के तवक्कुल से उन लोगों के कान खोलने के लिए ये बात कह देना चाहता हूं कि जो फलसफा कुत्तों का गाना वाते हैं इस कराची के अंदर, कि जिस कुत्तों का तुम नारा मानते हो, जिस कुत्तों के तुम फलसफे में चलते हो, आज तुम भूल गए हो कि जिस कुत्तों का तुम नारा मानते हो उसने कादियानी को काफर करार दिया था। अरे बदबख्तो, तुम बुटों की धूल के बराबर भी नहीं थे। तुमने आज नबी की मजबूर में से नबी अलैहिस्सलाम का खातिमुन नबी का नाम तुम लोगों ने हटा दिया।
और कहते हो कि मेरी गलती है। अरे तुम तो गुस्सा के रसूल हो, तुमने गुस्ताखी की, तुमने धक्का मारा। अरे खुदा का खौफ करो, तुम भुट्टो का फैसले की बात करते हो। उस भुट्टो ने हमारे उलमा इकराम के साथ मिलके हिम्मत मर्जा का मुजाहरा किया था उस दौर में, और कादियानी को काफर करार दिया था। आज भी काफर है, कल भी काफर था, आने वाले कल भी काफर होगा। बातें तो बोलने करने के लिए, लोगों को रगड़ा देने के लिए, लेकिन नहीं, हमारे कायदीन में ये नहीं सिखाया कि तहजीब से हटकर कोई बात की जाए, किसी की जात को रगड़ा दिया जाए। हम उन लॉकडाउन लगाने के लिए जा रहे हो, 100 दफा लगाओ लॉकडाउन। वजीर तालीम साहब, 100 दफा लॉकडाउन लगाओ हमारे होनहार बच्चों की स्कूलों पर, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें सरकारी स्कूलें नजर नहीं आती? वहां पर एसओपी के खिलाफ वर्दी नहीं होती? अगर वहां होती है तो सरकारी स्कूल में भी होती है। लॉकडाउन लगाना है तो वहां भी लगाओ। तुम लोगों के पास सिवाय मुनाफिकत के और कुछ भी नहीं है। तुम मालिक बनने पे चले हो कि कराची हमारे दादा का है। ना ना, कराची अल्लामा कादी मदनी रिज़वी का है, उसके शेर होता है। Ya Rasulullah, 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 ya Rasulullah